खुद अच्छे बन जाओ, शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए कुछ अलग लेकर आई हूँ। अलग वेल, काफ़ी टाइम हो गया, मैं सोच ही रही थी कि मैं कोई कविता लिखूँ और आप सबके साथ में साझा करूँ। तो आप सबके लिए मैं आज एक छोटी सी कविता लेकर आई हूँ, पॉजिटिविटी के ऊपर, सकारात्मकता के ऊपर, कि आज के टाइम में हमें इस कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, और अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें और क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आप सबके सामने मैं साझा करती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने आपके लिए क्या लिखा है। ओके, सो आजकल हर समय विचारों के झंझावात चलते रहते हैं, आजकल हर समय विचारों के झंझावात चलते रहते हैं, सही गलत का नहीं पता कुछ, सही गलत का नहीं पता कुछ, बस ये यूं ही बढ़ते रहते हैं, बस ये यूं ही बढ़ते रहते हैं। कभी किसी बात में होता चिंतन, कभी मनन, कभी किसी बात में होता चिंतन, किसी में मनन, ये यूं ही बढ़ता रहता हर समय हर क्षण, ये यूं ही बढ़ता रहता हर समय हर क्षण। कितनी गहन मशीनरी है ये मस्तिष्क हमारा, कितनी अनमोल रचना है प्रदत्त प्रभु द्वारा, कितनी अनमोल रचना है प्रदत्त प्रभु द्वारा। इसके जैसी ना मानव बना पाएगा कोई कृत्रिम मशीन, इसके जैसी ना मानव बना पाएगा कोई कृत्रिम मशीन, हर यह हर वक्त ही चलती रहती होकर तल्लीन, यह हर वक्त ही चलती रहती होकर तल्लीन। कभी कुछ अच्छा सोचते कभी बुरा हम, कभी कुछ अच्छा सोचते कभी बुरा हम, फिर भी कोशिश करते खुद को रखकर हरा भरा हम, फिर भी कोशिश करते खुद को रखकर हरा भरा हम। जब बुरा मन में आता तो हर चीज निष्प्राण लगती, जब बुरा मन में आता तो हर चीज निष्प्राण लगती, मगर अच्छाई के आवेग में निर्जीव में भी जान लगती, मगर अच्छाई के आवेग में निर्जीव में भी जान लगती। बुरे में किसी की छोटी सी बात भी, बुरे में अगर हम किसी चीज को लेकर अपसेट है, हम माइंड अगर हम अपसेट है तो देखना, बुरे में किसी की छोटी सी बात भी 100 गुना चुभती, मगर अच्छाई के आवेग में, मगर अच्छाई के आवेग में दिल बल्लियां उछल हर खुशी को चूमती, है ना। जब खुश होते तो छोटी सी बात में भी बस बिल्कुल दिल बल्लियां उछलने लग जाता है ना, इतने खुश होते हम। मित्रों मित्रों, ये खेल दिमाग का ऐसा है जैसे शतरंज की हर चाल, मित्रों ये खेल दिमाग का है जैसे शतरंज की हर चाल, जो न समझा वो मूर्ख है, जो न समझा वो मूर्ख है, और जो जाना उसके लिए शह और बात, और जो जाना उसके लिए शह और बात। ये हमारे हाथों में है, ये हमारे हाथों में है, इसका प्रयोग कैसे करें हम, सृजन या विध्वंस। जो हमारा ये दिमाग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग कैसे यूज करें, जो ये पॉजिटिविटी या जो भी, इसका हम कैसे इस्तेमाल हम करें, सृजनात्मकता पे भी कर सकते हैं और विध्वंस पे भी कर सकते हैं। तो उसी को मैंने बताते हुए मैंने आगे की लाइनें लिखी हैं, तो सुनिएगा। ये हमारे हाथों में है, इसका प्रयोग कैसे करें हम, सृजन या विध्वंस। सृजन रचनात्मकता और अच्छाई को जन्म देती है, सृजन रचनात्मकता और अच्छाई को जन्म देती है, जबकि नकारात्मकता विध्वंस की चादर ओढ़ हर उजाले को हर लेती है। ऐसे में सृजनात्मकता और आशावादी सोच को जिंदा करना होगा, तभी मानवता का भला और कल्याण होगा, प्रकृति के दिए इस खजाने को सहेजकर, नवरूप प्रदान करें, आओ मिलकर सृजनात्मकता का, जीवन में जगह दे नई पहल करें, इस जग को सुंदर बना मानवता का सच्चा धर्म निभाए, आओ नफरत मिटा एक दूसरे को गले लगाए, जीवन के इस चक्की में मानवता का सच्चा अर्थ समझाएं, भावार्थ में न जाकर, सारांश में समझाएं, सकारात्मकता का एक दिया चलो आज अपने मन मस्तिष्क में जलाएं, यानी पॉजिटिविटी का एक दिया, यानी जो पॉजिटिविटी की लो है, यानी जो खुशी है, वो हमारे मन मस्तिष्क में जलाएं। ओके दोस्तों,
तो यही थी मेरी आज की कविता पॉजिटिविटी के ऊपर। होप आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो। मैं कोशिश करूँगी इसी तरह से आपके लिए कुछ ना कुछ लिखते रहूँ और अपनी क्रिएटिविटी आप सबके सामने लाती रहूँ और आप सबको दिखाती रहूँ कि भाई कितना कुछ हम कर सकते हैं, है ना। तो इसके साथ ही जाते जाते आपके लिए कुछ लाइनें हैं जो सिर्फ आपके लिए हैं, ओके। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, तो जुगनू कभी भी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि उनके पास अपनी रोशनी खुद होती है, है ना। तो हम सबको इसी तरह से अपनी रोशनी का जो दिया है, जो पॉजिटिविटी है, उसको ये कोविड के सिचुएशन में हमें बनाए रखना है और अपने आप को खुश और हैप्पी रखना है दोस्तों। तो इसी तरह की चीज़ें मैं आपके लिए लाती रहूँगी, आपको ऐसे ही प्यार से मोटिवेट करती रहूँगी और ऐसे ही हम आपस में खुशियाँ बांटते रहेंगे, ओके। तो ठीक है, चलो मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, इन्जॉय करना एंड हाँ, क्या घर पे रहना, कहीं बाहर नहीं जाना, ओके। ठीक है, चलो फिर, ओके, बी बिंदास।